गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं माइक्रोवेव पार्ट वन। सो सबसे पहले एग्जाम्स के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके पास वन मार्क्स के अंदर, वो आ सकता है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। सो इट इज 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ एंड समटाइम्स यू कैन से इट इज अप टू 300 गीगाहर्ट्ज़। सो विच एवर द आंसर, बोथ इज राइट। And why this frequency is called as microwave? It is because the prefix micro indicates that microwaves are small. Micro means small. Compared, it is not actually doesn't mean that the range of wavelength is in micrometer. It just means that before microwaves, which waves we are using, that is radio broadcasting waves, they have larger wavelength as compared to microwaves. So microwave have small wavelength as compared to the radio frequency waves which we are using before the use of microwave. So these type of waves are called as microwave frequency range. Now from this you can calculate the wavelength. The formula is C is equal to nu lambda, where C is the velocity of light, nu is the frequency for both range 300 megahertz and 30 gigahertz. For both values you can calculate the lambda, yani wavelength of microwave frequency. Now why vacuum tubes can't be used at microwave frequency? Hum vacuum tubes ko use kyun nahi kar sakte microwave frequency pe? Ye bahut hi zyada important question hai interviews ke regarding, diploma level exam jaise BSNL uske regarding bahut hi important question hai. To iske jo main karan hai wo do hai. Ek to inter electrode capacitance. कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है? Xc is equal to 1/2πfc. F is the frequency. जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी Xc हमारा कम होता जाएगा। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा? Xc इतना कम हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोड्स के बीच का कैपेसिटेंस है कि जो हमारा सिग्नल है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसी कारण हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। सेकेंड जो रीजन है वो है ट्रांजिट टाइम। अब ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू द प्लेट, यानी जितना टाइम हमारे एक इलेक्ट्रॉन एक कैथोड से चल के एनोड या प्लेट के ऊपर पहुंचने में लेता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिट टाइम। अब जो ये वैक्यूम ट्यूब थी इसके अंदर ये बहुत कम होता था एज कंपेयर टू द ड्यूटी साइकिल, बट हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो ये ट्रांजिट टाइम है ये लगभग कंपेरेबल पोर्शन हो जाता है सिग्नल साइकिल का, और इसके कारण जो हमारी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसी कारण हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को वैक्यूम ट्यूब्स को माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग से स्पेशल माइक्रोवेव डिवाइसेस चाहिए जिसके अंदर हमारा इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इतना कम ना हो कि हमारा सिग्नल शॉर्ट कर जाए और ट्रांजिट टाइम भी हमारा सिग्नल साइकिल के कंपेरेबल ना हो। अगर हमारा सिग्नल साइकिल कम हुई है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के अंदर तो हमारा ट्रांजिट टाइम भी काफी कम होना चाहिए और वो दोनों एक कंपेरेबल लेवल पे नहीं होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं माइक्रोवेव ट्यूब्स। अब हमारे पास माइक्रोवेव ट्यूब्स काफी सारी की हैं, लेकिन बेशक उनका ऑपरेशन अलग हो बट जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है ऑपरेशन का वो है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज टू द सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज। ये सब एम्पलीफायर वगैरह में आपने देखा होगा, बट बाय मीन्स ऑफ अ करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। अब करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब इसे कैसे अचीव करते हैं? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिटार्डिंग दैम इन अ एसी फील्ड। दिस इज स्टेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिटार्डिंग दैम इन एन एसी फील्ड। तो अब जितनी भी कितने टाइप की हम माइक्रोवेव ट्यूब्स बना सकते हैं ये डिफर करेंगी इनके मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस डेंसिटी मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एसी फील्ड, रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ शॉर्ट गैप और ओवर एन एक्सटेंडेड रीजन। तो इन तीन के बेसिस के ऊपर हमारी माइक्रोवेव ट्यूब्स कितने टाइप की होती है इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो सबसे पहले हम ट्यूब कर सकते हैं वो करते हैं हम टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर,
या ज्यादा गेन चाहिए हो तो हम इसे कह सकते हैं, अगर दो कैविटी से ज्यादा यूज करेंगे, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। कैविटी हम किसको बोल रहे हैं, ये डायग्राम मैंने रेफरेंस के लिए यूज किया है, इन दोनों को कैविटी बोल रहे हैं। एक है हमारी बंचर कैविटी, एक है हमारी कैचर कैविटी, ठीक है। अगर हमें ज्यादा गेन चाहिए तो हम नंबर ऑफ कैविटीज अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा बंचर कैविटी होंगी और एक से ज्यादा कैचर कैविटी, ठीक है। अब जितनी भी हम माइक्रोवेव ट्यूब्स करने वाले हैं उसके अंदर दो टाइप्स की मॉड्यूलेशन है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड करंट मॉड्यूलेशन। इन दोनों को आपको बारे में एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। बेशक एग्जाम में किसी भी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर की वर्किंग नहीं आएगी, बट ये दो पॉइंट, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं या करंट मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या है, इट इज द वेरिएशन इन वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन बीम। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आ रहा है उस चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, और जो वेरिएशन इन करंट डेंसिटी आ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर इज रेफर्ड टू एज करंट मॉड्यूलेशन। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन बीम इस गैप में पहुंचते हैं, यहाँ पे जिस चीज को हमने एम्पलीफाई करना है इस यहाँ पे इनपुट दिया जाता है, माइक्रोवेव इनपुट होती है। अब अगर इस इनपुट की वोल्टेज पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करेंगे, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिटार्ड करेंगे, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। अब इस प्रोसेस के कारण यहाँ पे बंचेस बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, आप देख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के आने के कारण जैसे ये ड्रिफ्ट स्पेस से ट्रेवल करता है, ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करंट मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे ज्यादा करंट होगा, और जहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे करंट कम करंट होगा, और उसके बाद ही हम यहां से अपनी एम्पलीफाइड माइक्रोवेव आउटपुट ले सकते हैं। तो द ड्रिफ्ट स्पेस कन्वर्ट्स वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इनटू करंट मॉड्यूलेशन। एक छोटा सा रिजल्ट आप इसमें याद रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 593 इनटू में इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एनोड वोल्टेज, इसे आप याद रख सकते हैं। एक मिसप्रिंट है, लेट मी करेक्ट दिस। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 593 इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ वी, वेयर वी इज एनोड वोल्टेज। नाउ द नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एफिशिएंसी, पावर आउटपुट, पावर गेन एंड फ्रीक्वेंसीज। अगर ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहती क्योंकि आगे बहुत सारे ट्यूब्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेज हैं, तो कम से कम आप एक एफिशिएंसी का आइडिया जरूर रखें। तो जो अभी जो सिंपल ट्यूब्स आएंगी वो हमारी एफिशिएंसी आएंगी 40% की, एफिशिएंसी हमें सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है, तो इनको कम से कम आप एफिशिएंसी को हमेशा याद रखें। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। अब ये ऑसिलेटर है, जो पीछे हमने स्टडी किया ट्यूब वो हमारी एम्पलीफायर था। अब अगर हम अपने आउटपुट पावर का एक फीडबैक दे देते हैं इनपुट कैविटी को, एंड लूप गेन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी विद अ फेज शिफ्ट ऑफ मल्टीपल 2π, द क्लेस्ट्रॉन विल ऑसिलेट। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड यूनिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ A β इज इक्वल टू 1 एंड फेज शिफ्ट इज इक्वल टू 0° और 360°। कौन सा क्राइटेरिया है, बारकोजन क्राइटेरिया। तो अगर हम फीडबैक इस तरह से करते हैं कि वो बारकोजन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा क्लेस्ट्रॉन क्या करेगा, ऑसिलेट। इफ टू कैविटी, तो हम इसे कहेंगे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर, एंड सिंगल कैविटी है तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो एक बेसिक डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखें। इसके अंदर भी वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन होता है। अब रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज ए लो पावर जनरेटर, ये जनरेटर है। ऑसिलेटर क्या होता है, जो सिग्नल को जनरेट करता है या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को जनरेट कर रहा है बेसिकली। तो ये जनरेट करता है 10 टू 500 मिलीवाट की पावर को, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 टू 25 गीगाहर्ट्ज। इसके अंदर 10 गीगाहर्ट्ज तक थी और 500 किलोवाट बहुत ज्यादा पावर थी, बट रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के अंदर पावर कम है। इसकी एफिशिएंसी 20-30% है, एंड इज वाइजली यूज्ड इन माइक्रोवेव मेजरमेंट्स, माइक्रोवेव रिसीवर्स के अंदर जो हम लोकल ऑसिलेटर्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी डालते हैं वो, एंड सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर्स। द नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। अब ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एंड क्लेस्ट्रॉन के बेसिस में बीच में क्या डिफरेंस है, जो ट्रैवलिंग है देख सकते हैं आप ट्रैवलिंग वेव, तो इसके अंदर जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है, लगातार चल रही है, एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड RF फील्ड इज कंटिन्यूअस, बट इन क्लेस्ट्रॉन ओनली इन गैप्स। देखिए हम स्टडी करते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि सिर्फ गैप्स के अंदर इसका इंटरेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हमारी वेव जो है वो
ट्रैवलिंग नहीं है, बट ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के अंदर जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीट रेंज के ऊपर है। हमने स्टडी किया था रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ शॉर्ट गैप और ओवर एन एक्सटेंडेड रीजन। इसके अंदर ये एक्सटेंडेड रीजन के अंदर काम कर रही है, ये एक्सटेंडेड रीजन में काम कर रही है, इसलिए ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं हेलिक्स टीडब्ल्यूटी एंड फॉर हाई पावर्ड कपल कैविटी टीडब्ल्यूटी इज यूज्ड। दो टाइप की ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है हमारी, दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन होता है, इसे हम कह सकते हैं लिमिटेड केस ऑफ क्लेस्ट्रॉन विद क्लोज, मतलब क्लेस्ट्रॉन इसका एक लिमिटेड केस है जिसके अंदर काफी सारे क्लोज क्लोज गैप्स होते हैं, काफी सारी कैविटीज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 गीगाहर्ट्ज, एफिशिएंसी 20-40%, बैंडविड्थ अबाउट 0.8 गीगाहर्ट्ज, पावर आउटपुट दिस एंड पावर गेन इज दिस, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। इट इज अ माइक्रोवेव कंटिन्यूस वेव ऑसिलेटर विद एनॉर्मस ट्यूनिंग एंड ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कवरेज रेंज। इसकी कवरेज रेंज बहुत ज्यादा है, 60 गीगाहर्ट्ज, 110 गीगाहर्ट्ज एंड ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कवरेज रेंज। ऑपरेट्स ऑन TWD प्रिंसिपल, ये सेम उसके ऊपर करती है कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यूस होगी, बट इंटरेक्शन इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट होती है। एज ग्रोइंग RF वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इसके अंदर TWD में सेम डायरेक्शन में थी, आप इसके अंदर एक ओमेगा बीटा कर्व होता है जिसके अंदर हमारा अगर हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओमेगा बाय डी बीटा, ये पॉजिटिव आता है TWD के लिए, जबकि नेगेटिव आता है BWO यानी बैकवर्ड वेव। इसमें एक बैकवर्ड वेव होती है, एज ग्रोइंग RF फील्ड वेव ट्रेवल्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पे अपोजिट आएगा तो इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड बीटा इज फेज कॉन्स्टेंट। पावर आउटपुट क्या है हमारी 10 मिली वॉट, फ्रीक्वेंसी 60 गीगाहर्ट्ज टू 110 गीगाहर्ट्ज एंड एप्लीकेशन क्या है हमारे सिग्नल सोर्स यूज होता है, एज ए ब्रॉडबैंड नॉइज सोर्स यूज होता है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। नेक्स्ट है मैग्नेट्रॉन्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSNL TTA एग्जाम्स और डिप्लोमा लेवल एग्जाम्स के लिए, क्यों ये सबसे ज्यादा मेन है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसलिए सबसे मेन टॉपिक है हमारा मैग्नेट्रॉन्स। अब मैग्नेट्रॉन्स के अंदर क्या चीज होती है इसे हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। मैग्नेट्रॉन्स हमारी क्रॉस फील्ड ट्यूब्स होती हैं, क्रॉस फील्ड का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं। वेयर एज ट्यूब्स डिस्कस्ड अर्लियर और कॉल्ड एज ओ टाइप ओरिजिनल टाइप ट्यूब्स और लीनियर बीम ट्यूब्स। थ्री टाइप्स के मैग्नेट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप, ये हमारे लो एफिशिएंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी टाइप, इसके अंदर हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है, एफिशिएंसी से बेटर होती है। ट्रैवलिंग वेव एट कैविटी टाइप, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ मैग्नेट्रॉन, तो हम इसे ही स्टडी करेंगे। इट इज यूजफुल फॉर हाई पावर लाइक इन रडार एप्लीकेशन, रडार के अंदर हमें हाई पावर चाहिए होती है, तो हम कैविटी टाइप मैग्नेट्रॉन या ट्रैवलिंग टाइप वेव मैग्नेट्रॉन को यूज करते हैं। डिपेंड ऑन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेटिंग होता है। देखिए रेफरेंस के लिए मैंने डायग्राम यूज किया है, इसके अंदर ये जो ये आपकी कैविटीज हैं, 8 कैविटीज बनी हुई है, एनोड कैविटीज, ये बीच में आपकी कैथोड है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आती है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल होती है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल है हमारी। अब दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट्रॉन्स के अंदर होते हैं, एक तो फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे या वेव अप्लाई करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे RF फील्ड को और बंचिंग इफेक्ट पैदा करेंगे, जबकि अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बजाय अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के RF फील्ड से एनर्जी ले लेते हैं। तो ये फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें डिजायर्ड होते हैं, अनफेवर्ड हमें डिजायर्ड नहीं होते। इसके अंदर एक फेज फोकसिंग इफेक्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है अराउंड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के, उसे हम कह देते हैं फेज फोकसिंग इफेक्ट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक कंडीशन पूछी जाती है, अगर n कैविटीज हैं, जैसे अभी हमने देखा डायग्राम इसमें 8 कैविटीज थी, द फेज शुड बी फाई की वैल्यू जो आएगी हमारी 2πn/n आएगी, वेयर n इज एन इंटीजर इंडिकेटिंग द nth मोड ऑफ ऑसिलेशन। Widely it is operated in the pi mode, means phi is equal to pi, so that RF field in successive cavities are in antiphase. Okay? तो ये वाली values आपको याद रखनी है। Next है
Purity of vibration may be lost if no effort is made to separate dominant mode from weaker mode. तो जब आप देखेंगे इसके अंदर oscillations पैदा होंगे तो इसमें number of modes exist करेंगे. कुछ modes हमारे dominating होंगे, कुछ modes हमारे weaker होंगे. तो अगर हम dominant mode से weaker mode को अलग नहीं करते हैं तो हमारी vibrations की purity लॉस हो जाती है. कहीं पर वीकर मोड का हम ट्रीट कर सकते हैं डोमिनेंट मोड की तरह. तो इस चीज को हम कहते हैं मोड जंपिंग. मोड जंपिंग को रोकने के लिए स्ट्रैपिंग की जाती है. अब एक ऐसा मैग्नेट्रॉन भी है जिसके अंदर स्ट्रैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे कहा जाता है राइजिंग सन मैग्नेट्रॉन. ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ए मैग्नेट्रॉन विच नीड्स नो स्ट्रैपिंग इज कॉल्ड एज राइजिंग सन मैग्नेट्रॉन. स्ट्रैपिंग में रिजल्ट इन पावर लॉस, ये इसका डिसएडवांटेज है स्ट्रैपिंग करने का. ऐसी आप इसकी एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 40% टू 70% है. इसकी मैग्नेट्रॉन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है क्योंकि इसके अंदर प्रोलॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होता है आरएफ फील्ड के साथ. इसकी एप्लीकेशन क्या है, पल्स रडार एंड माइक्रोवेव ओवंस. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, माइक्रोवेव ओवंस मैग्नेट्रॉन के बेसिस पे काम करता है. नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस. ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं एंड यूजली फैब्रिकेटेड विद कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड. इनके अंदर जितनी भी डिवाइसेस होते हैं सब में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है. नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो करंट एंड वोल्टेज होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं बाय 180 डिग्री एंड पावर इज जनरेटेड इन नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस. बिकॉज पावर जब हम निकालेंगे आउट ऑफ फेज है तो आएगी माइनस आई स्क्वायर आर, मतलब पावर जनरेट कर रहे हैं. जब भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होती है वो होती है अब्सॉर्ब करती है पावर. ठीक है, तो गन डायोड हमारे एग्जांपल है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस का और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए. आपको इसकी वर्किंग नहीं करनी है, इसमें सिर्फ एक जो मेन पॉइंट है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन का. इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल वैली के अंदर यानी लोअर वैली में, वो अपर वैली में जाना शुरू कर देते हैं और वहां पे जाने के बाद इनकी मोबिलिटी डिक्रीज करती है, इफेक्टिव मास इंक्रीज करता है. मोबिलिटी डिक्रीज करने के कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी आ जाती है. तो जो ये फिनोमिना है एल वैली से इलेक्ट्रॉन्स का उठ के यू वैली में जाने का, इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं और इनकी एफिशिएंसी 2 to 2.5% होती है. नेक्स्ट आपको इनकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है. नेक्स्ट अवलांचर ट्रांजिट डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैरियर का इंपैक्ट आयनाइजेशन और ड्रिफ्ट होती है हाई फील्ड रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शन टू प्रोड्यूस नेगेटिव रेजिस्टेंस एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज. ये भी हमारे नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस हैं. तीन टाइप के होते हैं, इंपैक्ट, ट्रैपेट एंड डायरेक्ट. ये तीनों भी आपकी इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी एफिशिएंसी और इसके अंदर कौन सा फिनोमिना होता है. सबसे पहले है इंपैक्ट. इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट आयनाइजेशन अवलांचर ट्रांजिट टाइम डिवाइस. इसके अंदर इंपैक्ट आयनाइजेशन होता है और ये एक बेसिकली P प्लस N N प्लस डिवाइस है. इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप याद रख सकते हैं VD by 2L, where VD is the carrier drift velocity and L is the length of drift space. इसकी एफिशिएंसी 30% होती है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है डायोड्स के अंदर. ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉइजी है. नॉइजी क्यों है, जो अवलांचे इफेक्ट होता है जिसके अंदर इंपैक्ट आयनाइजेशन कहते हैं, जो आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर पढ़ा है, वो बहुत ज्यादा नॉइजी प्रोसेस है. इसलिए ये जो डिवाइस है बहुत ज्यादा नॉइजी है and it is used as microwave oscillator. Next is TRAPET. TRAPET stands for the Trapped Plasma Avalanche Trigger Transit Device. इसके अंदर impact ionization होने की वजह से यहाँ पे plasma create हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये काम करता है. And it is used in airborne and marine radars. इसकी power बहुत ज़्यादा high है, जो कि 200 watt है. इसकी efficiency 30% है. नेक्स्ट है बैरियर इंजेक्टेड ट्रांजिट टाइम डिवाइस. इसके अंदर क्या होता है, लेस नॉइजी है एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट आयनाइजेशन नहीं हो रहा, बट माइनॉरिटी इंजेक्शन होता है बाय पंच थ्रू. ये एक फिजिकल फिनोमेना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, इसके डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको. सिर्फ ये देखिए इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन होता है बाय पंच थ्रू और इसके अंदर एक लॉन्ग ड्रिफ्ट रीजन होता है लाइक इम्पैक्ट. ये PNNP डिवाइस है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है 1.8%. इसकी पावर 50 मिलो वॉट है एट 4.9 GHz. तो एक बेसिक माइक्रोवेव डिवाइसेस और माइक्रोवेव था. सेकंड पार्ट में हम करेंगे वेवगाइड्स, माइक्रोवेव्स के जो हमारे डिवाइसेस रहेंगे HT LT और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के बेसिक फंडास.
आज के लिए इतना ही। फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपीरियंस फ्रूट। थैंक यू।